हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का चैप्टर फोर पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है परमाणु की संरचना। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। बात करेंगे अब हम ये जो है एटम के स्ट्रक्चर की, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल, जीजी थॉमसन मॉडल, बोर्ड्स मॉडल, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। और एक थ्योरी भी इस चैप्टर में जो है वो डिस्कार्ड होगी, यानी कि परमाणु को जो है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने कहा था। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि परमाणु जो है वो विभाजित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे विभाजित होते हैं और क्या क्या है मॉडल। और ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ जो है कंसंट्रेट होके पढ़िएगा और जो भी ना समझ में आए मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि हम जो है अध्याय तीन में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। तो इस अध्याय में हमें जो है इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हम जो है अवपरमाणु कणों, मतलब कि अविभाज्य परमाणुओं के कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलेगा कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या थी? कि परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया, कई थ्योरीज आए, डिस्कार्ड हुआ, फिर दूसरे जो हैं साइंटिस्ट आए, उन्होंने थ्योरी निकाली, उनके में कुछ खामियां निकली, तो ऐसे चलते चलते एक लास्टली थ्योरी बनी। तो देखिए, परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत और जो है विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। तो अब बात कर लेते हैं पदार्थों में आवेशित कण। तो देखिए, पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए हम जो है एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। आप ये देखते होंगे कि सूखे बालों में जब आप कंघी करते हैं तो क्या होता है, ये जो है कंघी के जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो आकर्षित करते हैं, देखते हैं कि बाल से जो है चट चट की आवाज़ आती है। तो ये क्या है, ये आवेश ही है जिसके कारण जो है चट चट की आवाज़ आती है। तो क्रियाकलाप से निष्कर्ष क्या निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उसमें विद्युत आवेश आ जाता है। तो यह आवेश आता कहाँ से है, तो इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु जो है वो विभाज्य है। देखिए, परमाणु जो है वो विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। तो परमाणु में उपस्थित जो आवेशित कण का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों का योगदान है। जैसे देखिए, आवेश जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, मैं आपको फिगर आउट करती हूँ। ये देखिए, ये नाभिक है, देखिए इसके चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मिड में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन में तो माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है माइनस, क्योंकि माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो माइनस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, चूँकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में, तो क्या होता है प्लस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। तो देखिए, ये जो कूलम है ये इसकी यूनिट है, तो कूलम जो है वो SI यूनिट है जिसे जो है हम जो है चार्ज को मेज़र करते हैं। ठीक है, बात कर लेंगे अब हम कि इलेक्ट्रॉन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है एटॉमिक मास प्रोटॉन से बहुत कम होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ कितना होता है, 9.1 इंटू 10^-31 kg। वहीं प्रोटॉन का जो चार्ज होता है एटॉमिक मास, तो 1.67 इंटू 10^-27 kg। तो देखिए, हुआ ना इलेक्ट्रॉन का बहुत कम, और न्यूट्रॉन तो होता है जो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने, किसने की, जे जे थॉमसन। ये सब हम आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने,
है ना, न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। तो 19वीं शताब्दी तक जो है यह जान लिया गया कि परमाणु जो होता है वो साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। हुई ना थ्योरी डिस्कार्ड डाल्टन की, पिछले चैप्टर में तो हमने ये पढ़ा था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, लेकिन यहाँ तो बता रहा है कि विभाज्य होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए, बल्कि जो है कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता किसने लगाया? जे.जे. थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले जो है ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे क्या कहते हैं? कैनाल रे। तो ये जो किरणें होती हैं वो धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज की गई। तो इन कणों के जो है आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग मतलब 2000 गुना अधिक होता था। तो क्या नाम दिया? जो इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत होगा तो वो क्या होगा? जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन। तो इसे हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को पी प्लस से, ये हम जान चुके हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई और आवेश प्लस वन लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश माइनस वन लिया जाता है। तो देखिए, ये है कि ऐसा माना जाता है कि परमाणु जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित किए रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक में माइनस चार्ज होगा एक में प्लस चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को बैलेंस किए रहेंगे। तो यही दोनों जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं। तो देखिए, यह भी प्रतीत होता है कि प्रोटॉन जो है परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। मैंने आपको बताया कि नाभिक में जो है एस्टेब्लिश होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल, कोई काम ही नहीं है उसका, और प्रोटॉन जो है वो नाभिक में उपस्थित रहता है। और इलेक्ट्रॉन को जो है वो आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि बाहरी भागों में जो रहेगा उसी को निकाला जा सकेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो ईजिली निकाला जा सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण जो है वो परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर जो है वो नीचे मिलेगा। तो उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कैनाल किरणें किसे कहते हैं। अभी हमने बताया कि कैनाल किरणें जो हैं वो धनावेशित विकिरण है, धनावेशित विकिरण है, तो जो क्या करती है, एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं, एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। इन्हें एनोड किरणें भी कहते हैं। तो देखिए, कैनाल किरणों के साथ जो है इसका कारण यही है कि इसमें जो है धनावेशित अपरमाणु जो है कण के प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, क्या होती है कैनाल किरणें? धनावेशित विकिरण होती हैं जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इनमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक इकाई जो है वो ऋणावेश और प्रोटॉन पे क्या होता है? धनावेश होता है। तो इसलिए क्या होगा कि आवेश की संख्या समान लेकिन विपरीत होने के कारण परमाणु में कोई आवेश नहीं होगा, वे क्या हो जाएंगे? उदासीन होते हैं। अब बात करेंगे परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डॉल्टर के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया, जिनके अनुसार क्या था कि परमाणु जो होते हैं वह अविभाज्य और अविनाशी थे। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं, क्या करते हैं। तो इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को दिया। तो इसमें सबसे पहले मॉडल प्रस्तुत किया है जे.जे. थॉमसन, जो है वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो इसीलिए इस मॉडल को जो है वो थॉमसन का परमाणु मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखें थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वो क्या था। तो देखिए, थॉमसन जो थे वो यानी कि थॉमसन, मैं थॉमसन ही बोलती हूँ, तो परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि एक क्रिसमस केक की तरह था। आप एक तरबूज भी मान सकते हैं, आप तरबूज की कल्पना करते होंगे कि देखिए ये तरबूज है और इसके अंदर जो है खाने वाला एडिबल पार्ट होता है ना, होता है ना, और इसमें जो है वो काले काले बीज भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो तरबूज में जो एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला पार्ट, तो इसे हम जो है प्रोटॉन कहेंगे। जो खाने वाला पार्ट होता है इसे हम प्रोटॉन कहेंगे, और ये जो धसे हुए बीज हैं इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे।
तो देखिए ये फिगर में दिखा बनाया भी गया है, ये देखिए धनात्मक गोला, ये जो खाने वाला एडिबल पार्ट होता है तो ये धनात्मक है, और इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें बीज के समान जो धसे हुए होते हैं वे इलेक्ट्रॉन है, जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो देखिए ये जो ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे जे टॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये देखिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है इलेक्ट्रॉन की खोज के उसमें, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए 35 वर्ष में वे कैम्ब्रिज के कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये देखिए जे जे थॉमसन ने जो वो प्रस्तावित किया पहला नंबर कि परमाणु जो होती है, परमाणु जो होते हैं वे धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। दूसरी बात ये कही उनने कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, परिमाण में समान होते हैं, और इसीलिए परमाणु जो होता है वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस जब होंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से उदासीन हो जाएगा। तो यही बताया इन्होंने कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु जो होता है वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। आगे बात करेंगे, यद्यपि क्या हुआ कि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम अभी आगे देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। तो ये देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित कैसे होता है, ऐसे ही तो अचानक आ नहीं जाएगा, अब ये व्यवस्थित कैसे होंगे। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, तो इस प्रयोग में उन्होंने तेज़ गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से जो है वो टकराया गया। तो देखिए क्या क्या किया इन्होंने, सबसे पहला काम ये किया इन्होंने कि इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे और सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। तो अल्फा कण जो होते हैं वे द्विआवेशित हीलियम, आप जानते हैं कि हीलियम का जो है चार्ज क्या होता है +2, द्विआवेशित होते हैं ये, तो द्विआवेशित कण होते हैं अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इसका द्रव्यमान जो होता है 4 आणविक द्रव्यमान होता है, 4U होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। उनका अनुमान ये था कि अल्फा कण यानी कि जब ये अल्फा कण जो है ये सोने की पन्नी से जो है जो अपरमाणु द्वारा विक्षेपित होंगे, चूँकि अल्फा कण जो है वो प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। तो देखिए आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ये देखिए अल्फा रेज जा रही हैं और ये सोने के परमाणु हैं, ठीक है। देखिए कुछ तो चली गई अपने मार्ग से, कुछ जो हैं अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, कुछ जो हैं अपने मार्ग से वापस लौट आई, ठीक है, कुछ तो है चली गई और कुछ जो है वो विक्षेपित हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकला इससे, तो देखिए लेकिन अल्फा कण जो है प्रकीर्णन प्रयोग की आशा से बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। क्या निकला इस प्रयोग से, इस प्रयोग में पहली बात तो ये निकली कि तेज़ गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण जो है वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, देखिए सीधे निकल गए हैं। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि देखिए कुछ अल्फा कण जो है वो पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, मतलब ऐसे आए बहुत छोटा कोण, ठीक है, बहुत छोटे कोण से जो है वापस लौट आए। तीसरी बात क्या कही इनने कि आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण जो है वो वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15-इंच तोप के गोले को जो है वो टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वो वापस लौटकर आप ही को चोट करता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को विराम देते हुए हम ई रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ई रदरफोर्ड जो थे इनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर कौन है, तो वो है रदरफोर्ड। तो रेडियोधर्मिता पर जो है इन्होंने योगदान दिया अपना, और सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको भी नोबल पुरस्कार मिला, ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लीजिए
आप एक बच्चे को अपनी आंखों में बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है, ठीक है, बच्चा खड़ा है। अब उसे दीवार की कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर को जो है दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से किसी घिरी हुई चार दीवारी से, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये बच्चा है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा जो है वो तार लगा दिए, ऐसे ऐसे तार लगा दिए, तो ये जो है बीच में तो आपको स्पेस जाता हुआ तो नज़र आएगा ना, क्या होगा, नज़र आएगा स्पेस। तो यहाँ से जो है बच्चा जब पत्थर फेंकेगा तो पत्थर निकल जाएगा, ठीक है, तो यही बात ये बताना चाह रहा है। तो जो है पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे से नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। तो देखिए इसी तर्क के अनुसार जो है अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। उनका पहला परिणाम ये निकला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। क्यों? क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। देखिए निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अधिकतर जो है सोने की पन्नी से विक्षेपित होकर बाहर निकल जाते हैं। और दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग जो है वो बहुत कम है। तीसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि बहुत कम अल्फा कण जो होते हैं वो 180 डिग्री पर विक्षेपित थे, और जिससे जो है ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या जो है वो परमाणु की त्रिज्या से 10^5 गुना छोटी है। तो अपने प्रयोगों के आधार पर जो है रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखिए ये भी पूछा जाता है कि नाभिकीय मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, और उसमें जो है उन्होंने निम्न बातें बोली। पहली बात उन्होंने ये बोली कि परमाणु के केंद्र जो है वो धनावेशित होते हैं, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु के केंद्र धनावेशित होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोटॉन उपस्थित होता है जिसे नाभिक कहा गया। तो एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी कि पूरा वेटेज जो होता है एक परमाणु का वो किस में होता है, उसके नाभिक में होता है। तो एक परमाणु लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि नाभिक का आकार जो है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो देखिए ये जो है परमाणु का आकार है और ये है नाभिक, तो कम ही होता है, देखिए कम हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट जो है प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकल जाती हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल में भी यही चीज़ हुई, इसमें कुछ कमियां भी प्रदर्शित हुई। तो आइए देखें क्या क्या कमी थी। कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें कमी क्या थी, तो आइए हम देखते हैं कमी क्या थी। तो देखिए वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। देखिए ये वर्तुलाकार मार्ग हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं, तो कमी ये निकली कि देखिए इलेक्ट्रॉन का जो है स्थायी हो पाना संभव नहीं है। तो कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा, तो त्वरण के दौरान जो है आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा और इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम ये जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए जो है बोर ने अपना परमाणविक मॉडल दिया। तो देखिए अब ये कक्ष के बारे में बताएंगे, तो बोर का परमाणविक मॉडल हम देखते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जब किसी साइंटिस्ट के प्रयोग में कमी होती है तो अदर साइंटिस्ट आते हैं और उनकी आपत्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ऐसा ही हुआ, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए जो है नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएँ जो हैं वो प्रस्तुत की। इनकी पहली अवधारणा ये थी
कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी नहीं चक्कर लगा सकते हैं। ये एक प्रॉपर जो है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात इन्हें ये बोली कि जब इलेक्ट्रॉन जो है इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ये दूसरे कक्ष में जो है या फिर नाभि के पास जो है इनका ऊर्जा का विकिरण नहीं हो पाता। थोड़ा सा हम जान लेते हैं नील्स बोर के बारे में। हम जे जे थॉम्सन के बारे में जान गए, हम रदरफोर्ड के बारे में जान गए, अब हम थोड़ा सा जानते हैं नील्स बोर के बारे में कि क्या शख्सियत थे ये। तो देखिए, नील्स बोर का जन्म जो है वो 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो प्रोफेसर बोर विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित इनकी हुई। पहली पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड बुक थी इनकी एटॉमिक थ्योरी, और थर्ड बुक थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो ये देखिए, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं और ये जो है एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाई दिया है। तो देखिए, ये पहला हुआ एन कक्ष एन, सेकेंड वाला कक्ष एम, थर्ड वाला कक्ष एल और फोर्थ वाला कक्ष के, और बीच में जो है वो नाभिक है। तो ये जो है ऊर्जा स्तर मतलब कि एनर्जी लेवल को जो है वो शो कर रहा है। तो ये जो कक्षाएं हैं वो के एल एम एन से या फिर 1 2 3 4 द्वारा दिखाई जाती हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि परमाणु जो है वो उदासीन है, इस तथ्य को थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, थॉम्सन ने क्या बताया है, थॉम्सन ने पहली बात ये बताई थी कि परमाणु जो होती है वो धनावेशित गोलों से बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं। मैंने आपको तरबूज का उदाहरण भी दिया था। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि ऋणात्मक और धनावेशित जो धनात्मक आवेश का परिणाम जो है वो परिमाण समान होता है और इसलिए परमाणु जो है वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण जो है वो विद्यमान रहता है। तो देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने अभी अभी पढ़ा कि परमाणु का केंद्र जो होता है वो धनावेशित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, और इसीलिए नाभिक में जो है अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। अभी हमने बनाया है, जो मिड में है वो हमने नाभिक बना दिया, ये देखिए, इसे हमने M से डिनोट कर दिया, इसे हमने L से, इसे K से, तो K L M, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु के पन्नी से संभव होगा। तो हाँ, होगा, बिल्कुल होगा, जो है जो धातु की पन्नी पे संभव रहता है, परिणाम वही प्राप्त होगा, क्योंकि क्या होता है कि सभी धातुओं के परमाणुओं की संरचना तो एक जैसी होती है ना, तो इसलिए हम जो है सोने के अलावा अन्य किसी धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने 1932 में, और इन्होंने जो है खोज निकाला जो अनावेशित यानी कि न्यूट्रॉन पे जो है कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होते हैं ये, और इसका नाम जो है वो न्यूट्रॉन पड़ा। तो हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। क्यों नहीं होंगे ये, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एक ही एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होता है, तो उस पे तो उपस्थित होंगे नहीं। तो ये सामान्यतः जो है न्यूट्रॉन को एन से दर्शाया जाता है, और परमाणु के द्रव्यमान जो होते हैं वे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। एटॉमिक मास को हम कैसे निकालते हैं, ये बता रहा है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे तो क्या निकलेगा, एटॉमिक मास। अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, आगे आएंगे हम। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि परमाणु के 3 पारमाणविक कणों के नाम लिखिए। तो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हीलियम जो है वो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें जो है कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो देखिए, बता रहा है कि हीलियम में कितने परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4U, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है।
क्या किया हमने, तो परमाणु द्रव्यमान तो हमारा दिया हुआ है, यहाँ हमने 4 लिख दिया इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या हमें इसमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन की संख्या दी हुई है 2 प्लस एन कर देंगे, तो 2 को इधर ले जाएंगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एन, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आई 2, समझ गए आप। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, तो देखिए ये होता है कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जैसे बोर बरी स्कीम का नाम जो है वो दे दिया गया, तो आइए हम कुछ नियम देखें। तो पहला नियम ये है कि इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n स्क्वायर से दर्शाया जाता है, जहाँ पे n क्या होती है, कक्ष की संख्या या फिर ऊर्जा स्तर होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष यानी कि k कोष में 2×1 का स्क्वायर 2 होगी, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 और चौथे में 32, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में इसी प्रकार बना लेंगे 18 और चौथे में 32। तो देखिए सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, और किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाती, ठीक है, यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है कि कक्षाएं जो होती हैं वो क्रमानुसार भरती हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ये है कि कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, तो हम कार्बन का सबसे पहले देखेंगे, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है 6, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी, ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होती है जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, के में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन और एल में 4 होंगे, इसी प्रकार सोडियम का भी कर लीजिए, सोडियम का कैसे होगा, सोडियम का जो है परमाणु संख्या 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी, तो क्या होगा के एल एम, यानी कि 2, 8 और 1, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे संयोजकता के बारे में, मैं संयोजकता की अलग से वीडियो बनाने के लिए बोल रही थी, अब देखिए चैप्टर में आ गया है तो हम इसे अच्छे से इसी में समझ लेंगे। तो देखिए हम ये तो पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जो है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर बरी स्कीम में हम ये भी जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों को हम रख सकते हैं, या देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तत्वों की जो संयोजन शक्ति या फिर संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है। तो देखिए इन अक्रिय तत्वों में से क्या होता है कि हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं, तो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजक शक्ति जो है अर्थात अपने समान अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनने की प्रकृति यानी कि जो उसकी प्रवृत्ति होती है अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले कक्षों को जो है वो बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है, और परमाणु जो होता है अपने अंतिम कक्ष में अष्टक को प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, और यह जो है आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने और उनको ग्रहण करने या फिर त्याग करने की से होता है। जैसे देखिए हमने Na का लिया था क्या 2, 8, 1, ठीक है, क्या होगा ये अपना एक जो है वो त्याग सकता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ठीक है, अभी जो है उदाहरण में बताया भी गया है, आगे अभी हम देखते हैं आगे। तो देखिए जो होता है कि परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, और यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने उनको ग्रहण करने या फिर त्याग करने के लिए होता है। तो परमाणु के बाह्यतम कक्ष जो कि बाह्यतम कक्ष होता है में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या फिर जो है स्थानांतरण
होता है वही जो है वो तत्व की संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में भी की थी और अभी भी हम कर रहे हैं। तो देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम या फिर सोडियम के प्रत्येक परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, सॉरी लिथियम लेंगे, हीलियम तो पूरा भर जाएगा ना, हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम ले लिया और क्या लिया, सोडियम, ठीक है। इसमें तो एक रहेगा, इसमें दो, एक, इसमें दो, आठ, एक, ठीक है। क्या करेंगे अब हम, हमने ये ले लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखिए एक एक एक, अतः जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हम ये जो है ये कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता क्या कही जाएगी, एक कही जाएगी, इनकी संयोजकता एक कही जाएगी। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता क्रमशः दो और तीन है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में दो और एल्यूमिनियम के तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में। तो देखिए, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता जो है एक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने लिया फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन लिया, इसके बाह्यतम कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सात इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता सात हो सकती है, लेकिन लेकिन बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन को जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है लेने की आवश्यकता होगी, त्याग करने की अपेक्षा जो है क्या करेगा वो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा उसकी अधिक होगी, अतः इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो फ्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, एक होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है, ठीक है, और इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, तो अतः ये होता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजक शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। तो पहले 18 तत्व की संयोजकता जो है वो सारणी में दी गई है, आइए हम सारणी भी देख लेते हैं। तो ये देखिए सारणी दी गई है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु संख्या एक, प्रोटॉनों की संख्या एक, न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होती है जो प्रोटॉनों की संख्या यानी कि एक होगी, सिर्फ इसका जो है K में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा इसलिए इसकी संयोजकता एक होती है। हीलियम का क्या होगा, इसके K के पोर्शन दोनों भरे रहेंगे इसलिए इसकी संयोजकता जीरो होती है। तो अब आप मेरे हिसाब से संयोजकता निकालना भली भांति जान गए होंगे, और अगर अभी भी डाउट है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको संयोजकता समझ में आई कि नहीं आई। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या से आप इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोरीन का देखें, क्लोरीन लिखा हमने, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, याद रहना चाहिए आपको परमाणु संख्या वगैरह, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है सात, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सॉरी सात मैंने बोल दिया, सत्रह, प्रोटॉन भी इसके सत्रह ही होंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे के एल एम, ठीक है, पहले हम इसका दो भर देंगे, दो हुआ, आठ हुआ, और आठ दो दस, सत्रह हमें पूरा करना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सेवन, दो आठ सात, यानी कि क्लोरीन की संयोजकता क्या हुई, आठ में से सात माइनस कर देंगे, क्योंकि इसकी लेने की अपेक्षा जो है देने की अपेक्षा ये ले सकता है इजिली, तो एट माइनस सेवन कर देंगे इज इक्वल टू वन, तो क्लोरीन की संयोजकता क्या आई, एक आई। इसी प्रकार हम सल्फर का भी ज्ञात कर लेंगे, सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, सिक्सटीन, इलेक्ट्रॉन भी इसका, प्रोटॉन भी सिक्सटीन होगा, तो अब हम इलेक्ट्रॉनों के वितरण देख लें, के एल एम, यहाँ दो, यहाँ आठ और यहाँ छः, तो आठ में छः माइनस करेंगे कितना आएगा, दो, यानी कि दो इसकी संयोजकता होगी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको हमेशा इसमें माइनस नहीं करना है, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको एक सोडियम का उदाहरण देके देखूँ, ठीक है, तो ये के एल एम, इसका एटॉमिक नंबर होता है इलेवन, यहाँ पे हमने दो किया, यहाँ पे हमने आठ किया, और यहाँ पे हमने किया क्या, एक। अब आप ये कह दीजिए कि आठ में एक घटा दो मैम तो इसकी वैलेंसी सात आएगी, नो नेवर, ये इसकी एक है तो क्या करेगा, ये एक जो है वो त्याग देगा, त्यागना इसका इजी होगा, ठीक है, इसलिए इस पे जो है
इसकी संयोजकता एक होगी। अगर यहाँ मान लीजिए सात होता, दो आठ दो दस सात सत्रह यानी कि क्लोरीन, तो क्या होता, ये एक एडॉप्ट करता और अपनी वैलेंसी पूरी करता। तो इसी प्रकार आप मैग्नीशियम का भी मैं समझ सकती हूँ कि आप निकाल लेंगे संयोजकता। प्लीज़ मैग्नीशियम का संयोजकता मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो अब हम बात करेंगे परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु संख्या क्या होते हैं, डिनोट किससे करते हैं हम इसे। तो हम ये जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। बार बार मैं बता चुकी हूँ कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु संख्या को बताती है, यानी कि जितना प्रोटॉन उपस्थित रहेगा वही उसकी परमाणु संख्या होगी। इसे जेड से दर्शाया जाता है और किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है। तो वास्तव में क्या होता है कि तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल टू वन होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार हम कार्बन का भी देख लेंगे, जेड इज इक्वल टू सिक्स होता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। बात करेंगे अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो देखिए, एक परमाणु के जो है अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणुओं का द्रव्यमान उसमें जो है विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है, यानी कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये होता है कि ये परमाणु जो होते हैं ये नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक, परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, कार्बन का द्रव्यमान 12U है। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6+6 इज इक्वल टू 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का देख लीजिए, 27 होता है, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन। तो देखिए, आपको अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, ठीक है, n इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब आप इधर उधर फेरफार के बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमें मान लीजिए हमें जो है सोडियम का निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, तो सोडियम का जो है एटॉमिक मास कितना होता है? 23। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकली? 3 में 11 2, 2 में 11 1। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 निकल गई। अब इसी प्रकार अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना है तो आप न्यूट्रॉन को इधर लाके माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? एटॉमिक नंबर निकल आएगा। यानी कि इससे निष्कर्ष क्या निकला कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व के प्रतीक इस प्रकार लिखे जाते हैं। देखिए, जैसे तत्व का प्रतीक हमने Na लिख दिया यहाँ, परमाणु संख्या हम लिखेंगे यहाँ और द्रव्यमान संख्या लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार लिखा जाता है इसे, आपने आवर्त सारणी में भी देखा होगा। अब आइए क्वेश्चन देख लें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब जो है परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? सेकंड वन है कि परमाणु का आवेश क्या होगा। तो देखिए, पहला तो ये पूछा है कि परमाणु संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉन की संख्या 8 है तो परमाणु संख्या भी क्या होगी? 8 ही तो होगी। हमने ये देखा है कि परमाणु की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या। B1 क्या पूछा है कि परमाणु पे आवेश क्या होगा, तो देखिए परमाणु पे जो है वो कोई आवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। क्यों? देखिए, क्योंकि क्या हुआ कि प्रोटॉन में आवेश +1 और दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1 होता है। दैट मीन्स कोई आवेश नहीं होगा, वो उदासीन होंगे। नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं कि सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु के द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। भैया, हम बिना सारणी के ज्ञात करेंगे, आइए चलिए देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन में जो है कितने प्रोटॉन होते हैं? 8 प्रोटॉन हुए, 8 न्यूट्रॉन हुए, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हुई? इन दोनों को जोड़ दो। हमने अभी भी पढ़ा है भैया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, तो 16 यूनिट आ गए। ठीक है, इसी प्रकार सल्फर का, सल्फर जो है S16 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है वो ऊपर लिखा जाता है S8
यहाँ और 16 यहाँ, ठीक है। तो क्या किया हमने, प्रोटॉन की संख्या लिया 16 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 16 इज इक्वल टू 32, ठीक है, आ गई वैल्यू। तो बात कर लेते हैं अब हम समस्थानिकों के बारे में। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो ये आप अच्छे से समझिएगा कि देखिए समस्थानिक वे होते हैं कि प्रकृति में कुछ तत्व के परमाणु की पहचान की गई है जिसमें परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, आइसोटोप और आइसोबार, बार 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 भार 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 आ रहा है ना, तो देखिए क्या होगा कि इसमें जो होता है ये बार से भार, भार यानी कि इसमें आइसोबार में जो होता है यानी कि समभारिक में भार जो होता है वो समान होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है और परमाणु संख्या इसमें अलग होती है। लेकिन आइसोटोप में क्या होता है कि आइसोटोप में परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझें। तो देखिए हाइड्रोजन के हम ले लें, तो हाइड्रोजन का आप जानते हैं कि तीन जो होता है वो समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए 1H1, 1H2 और ट्राइटियम का 1H3। तो ड्यूटेरियम को हम भारी जल भी कहते हैं। तो प्रत्येक की परमाणु संख्या तो समान है लेकिन क्या है, द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न है, 1, 2, 3 है। इसी प्रकार कार्बन का भी ले लीजिए आप, C6H12, ठीक है, और C6H14, C6H12 लिया और C6H14 लिया। इसके देखिए इसके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो है इन उदाहरणों के आधार पर हम ये कहेंगे कि समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं समस्थानिक में, क्या होते हैं, परमाणु संख्या समान, परमाणु भार भिन्न। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के तीन समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। और बहुत से तत्वों में समस्थानिक के मिश्रण भी होते हैं, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है और समस्थानिकों के जो रासायनिक सूत्र हैं वो समान लेकिन भौतिक गुण इनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो देखिए प्रकृति में क्लोरीन के भी दो समस्थानिक रूप पाए जाते हैं जिनका द्रव्यमान 35U और 37U होता है जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब देखिए अब प्रश्न क्या उठता है, अब प्रश्न ये उठता है कि हमें किस द्रव्यमान का जो है चीज़ मानना चाहिए, यानी कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। तो आइए चलिए इसका पता लगाएं। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा देखिए 35×75/100 प्लस 37×25/100। कैलकुलेट करिए तो क्या आया, बीच का मीडियम आया 35.5। तो देखिए ये होता है कि किसी प्रकृति में जो है वो तत्वों के एक परमाणु का द्रव्यमान उसी तत्व में विद्यमान जो है सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। और अगर किसी एक तत्व में कोई समस्थानिक नहीं है तो क्या होता है कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है उसी में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग हो जाता है, ठीक। और क्या करेंगे कि अगर जो है एक तत्व का समस्थानिक रूप उपस्थित होता है तो हमें जो है प्रत्येक समस्थानिक रूप के प्रतिशत को जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना भी करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान जो होता है एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान जो है इसका 35.5U होगा। अब हम ये बात करेंगे कि समस्थानिकों की यूज़ क्या है, भैया काहे हम समस्थानिक लाए हैं। तो समस्थानिकों के जो है बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, इसमें जो है कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। तो आइए कुछ देखें। तो देखिए पहला यूज़ ये हुआ कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग किस में होता है, परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में होता है। दूसरा ये होता है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट 60 आपने सुना होगा, तो ये जो है कैंसर के उपचार में होता है जो कि एक समस्थानिक ही है। घेंघा रोग, तो घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। हमने समस्थानिक देख लिया कि क्या होता है, इसमें परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम देखेंगे समभार यानी कि आइसोबार, बार 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 यानी कि सेम, ठीक है। तो समभारिक क्या होंगे, इसमें क्या होगा कि परमाणु संख्या तो डिफरेंट होंगी लेकिन परमाणु भार इसमें समान होंगे। आइए देखें, तो देखिए दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन की परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है,
दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी क्या हुआ, तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है समभारिक कहा जाता है। हम तो पहले ही समझ गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि चिन्ह एच डी टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले तीन अपरमाणु कणों के सारणीबंध कीजिए। तो देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसमें प्रोटॉन एक होगा, इलेक्ट्रॉन एक होगा और न्यूट्रॉन जीरो होगा। ड्यूटेरियम में क्या होगा, प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, न्यूट्रॉन एक। और जो है ट्राइटियम में क्या होगा, 1s3 जिसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या एक, इलेक्ट्रॉन की संख्या दो और न्यूट्रॉन एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं कि समस्थानिक वे होते हैं कि जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या समान होती है। तो हमने उदाहरण लिया कार्बन का, चलो हम ले लेते हैं। क्या लिया हमने कार्बन में, C6 और एटॉमिक मास इसका 12 हो गया। एक और है C6, एटॉमिक मास इसका हो गया 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, इसका KL, इसका KL, दो दो इसके में भरेंगे। ठीक है, इसका कितना है, 6 है, 6 लिया, और इसका कितना है, इसका भी सेम। तो क्या हुआ, सेम निकला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब समभार क्या होगा, समभार को भी हम देख लेते हैं उदाहरण के थ्रू। हमने ले लिया कैल्शियम का उदाहरण, कैल्शियम 20 और ये 40। ठीक है, आर्गन का भी ले लेंगे, आर्गन का ये जो है 18 होता है एटॉमिक नंबर और 40 होता है एटॉमिक मास। तो इसका KLmn भरेगा। ठीक है, KLmn, K में 2, L में 8, M में भी 8 और N में 2। ठीक है, अष्टक पूरा होना ज़रूरी होता है, तो हमने इन दोनों का अष्टक पूरा किया। ठीक है, जोड़िए 8 2 10, 8 18 2 20 कंप्लीटेड। अब इसमें देखिए KLm 2 8 8। ठीक है, ये अपने अष्टक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, सॉरी ये आर्गन है, AR, इसकी संयोजकता 0 और कैल्शियम की संयोजकता 2, Ca2+। तो अब बात करेंगे हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे.जे. थॉमसन और गोल्डस्टीन ने की। जे.जे. थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज होता है। तो क्या होता है, एटम इज लाइक अ वाटरमेलन। और क्या हमने देखा इस चैप्टर में कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग से जो है परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती। नील्स बोर द्वारा जो है दिया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल रहा। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है ये प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केंद्रक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। तो अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो फिर जो है वो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु में जो है वो तीन अपरमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन का धन आवेश और न्यूट्रॉन होते हैं वे अनावेशित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान एक इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLmn नाम दिया जाता है और संयोजकता जो होती है वो परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या समान होती है। समभारिक क्या होते हैं, जिनके द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। तो तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। चलिए भैया तुलना कर लें।
हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ प्रोटॉन लिया और यहाँ न्यूट्रॉन लिया। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहर होता है, ठीक। प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है, और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने ये लिया कि इसका जो है एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, लेकिन क्या क्या होता है, ये नेगेटिव में होता है, ठीक। इसका चार्ज क्या होता है, आवेशित चार्ज क्या होता है, इसका पॉजिटिव में होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। और ये जो होते हैं ये उदासीन होते हैं। थर्ड पॉइंट हमने ये लिया कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान कितना हुआ, 9 × 10⁻²⁸ ग्राम, बहुत कम होता है। इसका क्या हुआ, 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, इसका भी वही सेम होगा, ठीक है। चौथी बात क्या हुई, चौथी बात ये हुई इलेक्ट्रॉन में कि ये जो है एच परमाणु का 1/2000वां भाग होता है, लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, ये जो होता है 1 यूनिट होता है, और न्यूट्रॉन भी 1 यूनिट होता है। आवेश तो आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जे जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो देखिए जो जे जे थॉम्सन ने परमाणु मॉडल दिया था, तो ये क्या इन्होंने जो परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए प्रयोगों के परिणामों को जो है इस मॉडल को समझाया नहीं जा सका। जैसे कि देखिए रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग कर ज़्यादातर जो है अल्फा कण सीधे क्यों निकल गए, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए और जो है बहुत कम जो है वापस आए, तो इन प्रश्नों की व्याख्या करने में ये मॉडल जो है वो असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी। हमने सीमा देखी, क्या सीमा थी कि यदि कोई भी जो है आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो जो है उसके आवेशित कणों की ऊर्जा का विकिरण जो होगा वो नाभिक की ओर चला जाएगा और इसकी ऊर्जा जो है निरंतर घटती जाएगी और गति भी कम होती जाएगी। अंततः ये हुआ कि स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा, है ना। वो ये नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर कक्ष में घूमता है। उसके बाद बोर आए, तो बोर ने जो है वो डिफाइन किया है। आगे बात करेंगे बोर के ही बारे में। देखिए बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। नील्स बोर ने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट दिया कि देखिए पहला पॉइंट उन्होंने ये दिया कि परमाणु के केंद्र में जो है एक धनावेशित नाभिक होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, ये हमें पता है भैया। दूसरी बात क्या बताई इनने, इनने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन में जो है केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, वो कहीं भी ऐसे ही नहीं जा सकते हैं कि कहीं भी जाएँ किसी से भी टकरा जाएँ। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनकी एक निश्चित कक्षा होती है, ऐसे हमने बनाया था, ठीक है, KLMN ऐसे करके बनाया था हमने, ठीक है। तो एक निश्चित कक्षा में ही वे चक्कर लगा सकते हैं जिसे हम विविक्त कक्षा यानी कि डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। तीसरी बात इनने ये बताई कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो देखिए तीन मॉडल हमने इसमें पढ़ा, ठीक है, थॉम्सन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और किसका पढ़ा, बोर का, ठीक है। थॉम्सन के मॉडल के पहले बात हम कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो होती है वो धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। इनने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु का केंद्र जो होता है वो धनावेशित होता है और जिसे जो है हम नाभिक कहते हैं, और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, ठीक। बोर ने क्या बताया, बोर ने यह बताया कि परमाणु जो होता है वो तीन कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ये उदासीन होते हैं। देखिए कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ना आपको तो चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी, ठीक है। दूसरी बात, थॉम्सन ने क्या बताया था कि ऋणात्मक और धनात्मक जो है आवेश
परिमाण में समान होते हैं, इसलिए जो है ये इनके वैद्युतीय रूप जो है वो उदासीन होते हैं। तो और जो है रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो है वर्तुलाकार मार्ग में जो है ये चक्कर लगाते हैं। बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को समझाइए। जैसे कि मैंने बताया कि जो है के एल एम एन के रूप में जो है इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जब तक एक कक्षा पूरी तरीके से नहीं भर जाती इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं करते। यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एल में 8, एन में 18 और एन में 32। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उदाहरण के साथ जो है व्याख्या कीजिए